subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज आप लोगों के लिए 2 फरवरी 2020 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ फ्रेंड, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं आने वाले एग्जामों में। तो फ्रेंड चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा फ्रेंड, ताकि मेरे वीडियो का पल-पल का अपडेट आपको मिलते रहे। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आपका जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ए सोफिया केनिन। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब सोफिया केनिन ने जीता है। ये है हमारे सोफिया केनिन, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीता है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड एक एक करके ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। टिमिया बाबोस, क्रिस्टीना मलादे नोबिक, ये दोनों जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला डबल का खिताब जीता है फ्रेंड, ये दोनों। और ये जो नाओमी ओसाका है ये 2019 के ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला एकल के विजेता है फ्रेंड, नाओमी ओसाका। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर हैज नर्मदा फेस्टिवल स्टार्टेड, नर्मदा महोत्सव कहां शुरू हुआ है? नर्मदा महोत्सव कहां शुरू हुआ है फ्रेंड? नर्मदा महोत्सव आपका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के अमरकंटक में शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में हमारा नर्मदा महोत्सव शुरू हुआ है फ्रेंड, और ये नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम है, मुख्यमंत्री है कमलनाथ और गवर्नर है लालजी टंडन। अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में 50 जिला है और विधानसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में 230 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड एक एक करके ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। गुजरात, गुजरात का राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में जिलों की संख्या कुल है 25, अगर विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो 182 और लोकसभा सदस्यों की संख्या 26 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या गुजरात में 11 है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड राजस्थान देख लेते हैं। राजस्थान जिसका राजधानी है जयपुर और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और गवर्नर है कालराज मिश्र और जिलों की संख्या है 33, विधानसभा सदस्यों की संख्या है 200 और लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 10 राजस्थान में। और फ्रेंड आप लोग जानते होंगे कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि थार है वो राजस्थान में ही स्थित है फ्रेंड, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, जिसका राजधानी है शिमला और मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेया। हिमाचल प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 12 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 68 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 4 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि का प्रतिशत क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए 5%, तो आपका जो आंसर होगा आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि का प्रतिशत है ऑप्शन ए 5% फ्रेंड, 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65वीं राष्ट्रीय स्कूल अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता कहां शुरू हुई है? तो आपका जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी अगरतला में। 65वीं राष्ट्रीय स्कूल U17 फुटबॉल प्रतियोगिता कहां शुरू किया गया है? तो वो अगरतला में शुरू किया गया है और अगरतला जो है त्रिपुरा का राजधानी है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव और गवर्नर है रमेश बैस। त्रिपुरा में जिलों की संख्या अगर पूछा जाए तो 4 जिला है फ्रेंड और विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो 60 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है फ्रेंड। और फ्रेंड एक महत्वपूर्ण बात अगरतला के बारे में कि अगरतला जो है फ्रेंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है फ्रेंड, याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुषार कांजीलाल का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो फ्रेंड वो जो थे वो ऑप्शन बी लेखक थे फ्रेंड। फ्रेंड अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा फ्रेंड। यह तुषार कांजीलाल जो कि लेखक है फ्रेंड, यही है हमारे तुषार कांजीलाल जो पेशे से क्या थे लेखक थे फ्रेंड। और तुषार कांजीलाल जो थे ये सोशल वर्कर भी थे फ्रेंड और इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार
सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड जो आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना जो है यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के मामले में भारत का सबसे पहला राज्य है, शीर्ष स्थान पर है फ्रेंड तेलंगाना, जिसका राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदर राजन। और तेलंगाना का जो स्थापना हुआ था कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना में जिलों की संख्या है 33। चलिए फ्रेंड एक एक करके ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र जिसका राजधानी है मुंबई और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में महाराष्ट्र के मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव मनाया गया था फ्रेंड। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या अगर पूछा जाए तो 35 जिला है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 78 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या महाराष्ट्र में 48 है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड राजस्थान चलते हैं। राजस्थान जिसका राजधानी है जयपुर और मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और गवर्नर है कालराज मिश्र। राजस्थान में भी 33 जिला है फ्रेंड और राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि थार है वो राजस्थान में ही स्थित है फ्रेंड। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। चलिए फ्रेंड केरला का बात आया है तो केरला के बारे में जान लेते हैं। केरला जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरला के मुख्यमंत्री है पिनारायी विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरला में जिलों की संख्या अगर पूछा जाए तो 14 जिले हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या 140 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 9 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या केरला में फ्रेंड 9 है। और फ्रेंड केरला जो कि भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है केरला, और केरला के ही एक जिला है एर्नाकुलम जिला जिसका साक्षरता दर है 99.2% 99.2% जो कि भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला माना जाता है एर्नाकुलम केरला राज्य का। अब फ्रेंड केरला को दक्षिण का कश्मीर भी कहा जाता है और केरला में स्थित एक कोचीन शहर है जिसको अरब सागर की रानी भी कहा जाता है फ्रेंड। चलिए इतना जानकारी काफी है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को IBM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बनाया गया है? तो आपका जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा को भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें IBM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बनाया गया है। ये हैं हमारे अरविंद कृष्णा जी जिनको IBM का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाया गया है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड एक एक करके ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। आया अनिल खन्ना का नाम आया फ्रेंड इसमें। अनिल खन्ना हाल ही में एशिया टेनिस संघ के आजीवन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं अनिल खन्ना फ्रेंड। और एम अजीत कुमार जिनको आप लोग जानते होंगे हाल ही में इनको केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया फ्रेंड नियुक्त किया गया है। और जनक राज को भी हाल ही में RBI द्वारा मौद्रिक नीति समिति के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड IBM का बात आया है तो यहाँ IBM के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। IBM जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और IBM का जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड न्यूयॉर्क US में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 6th अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? तो फ्रेंड आपका जो आंसर होगा ए लद्दाख को 6th अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है फ्रेंड। तो फ्रेंड लद्दाख जिसका राजधानी है लेह या कारगिल में पड़ता है लेह और जिला की संख्या है लद्दाख का 2। चलिए फ्रेंड ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन है बी झारखंड। झारखंड जिसका राजधानी है रांची और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जो कि हाल ही में बने हैं एकगृहवीय मुख्यमंत्री हैं झारखंड के और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। और फ्रेंड झारखंड राज्य का जो स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 का हुआ था। और झारखंड में जिलों की संख्या अगर पूछा जाए तो 24 जिले हैं और विधानसभा सदस्यों की संख्या झारखंड में 81 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड छत्तीसगढ़ आया है तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जिसका राजधानी है जयपुर और मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके और जिलों की संख्या अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ में तो 16 जिले हैं और विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो 90 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या छत्तीसगढ़ में 11 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है फ्रेंड छत्तीसगढ़ में। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री हैं झारखंड के ही पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा।
चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल के आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार नई फर्मों की संख्या में विश्व स्तर पर भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3। जो हाल में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार नई फर्मों की संख्या में विश्व स्तर पर भारत की जो रैंकिंग है वो है आपका ऑप्शन ए 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 10, यूनाइटेड किंगडम के बाहर होने के बाद यूरोपीय संघ के पास कितने देश हैं? तो फ्रेंड आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी 27। 27 देश हैं यूनाइटेड किंगडम के बाहर होने के बाद यूरोपीय यूनियन में, यूरोपीय संघ में। फ्रेंड यूरोपीय संघ जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो चलिए फ्रेंड मैंने आप लोगों के लिए आज का एक सवाल लाया हूं। सवाल ये है कि किस भारतीय पत्रकार को 2019-20 पेन गौरी लंकेश पुरस्कार प्राप्त कर्ता के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड। और फ्रेंड पिछले क्वेश्चन का जो आंसर है फ्रेंड राजीव नयन ने सही जवाब दिया है। और इसका जो क्वेश्चन था फ्रेंड, भारत की पहली फैब लैब की स्थापना किस राज्य में किया गया है? तो वो केरला में किया गया था फ्रेंड। और केरला का राजधानी तिरुवनंतपुरम, मंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और जिलों की संख्या 14 है, विधानसभा सदस्य की संख्या 140 है और लोकसभा सदस्य की संख्या 20 है, राज्यसभा सदस्य की संख्या 9 है फ्रेंड। तो फ्रेंड राजीव नयन ने इसका सही जवाब दिया था। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।